अब फिर हम देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट आर सेम। यानी एक डायगोनल मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स जो होगा इसको स्केलर मैट्रिक्स को चेक करेंगे तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हमारे पास जो कंपलसरी कंडीशन थी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा पहले, सबसे पहले बात स्केलर मैट्रिक्स में, उसके बाद वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि उसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो जीरो होंगे। यानी जहाँ पे ए आई नॉट इक्वल टू जे, यानी ए आई जे जो मैट्रिक्स एलिमेंट है जिनके लिए आई नॉट इक्वल टू जे है वो जीरो होंगे, और उस कंडीशन में जो मैट्रिक्स वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर ए आई आई जहाँ पे भी या कहें हम ए आई जे जहाँ पे आई इक्वल टू जे हो वो सभी सेम एंट्री हो तो उस कंडीशन में मैट्रिक्स को कहेंगे कि वो मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स है।